एक सतगुरु अपने शिष्य को लेकर यात्रा में जा रहे थे। यात्रा करते करते जब संध्या हुई गुरु कहने लगे कि वत्स, आगे रास्ता दुर्गम है, संध्या हो चली है, जंगली हिंसक प्राणियों का भी खतरा है, क्यों ना रात्रि विश्राम यहाँ करके और सुबह संध्या करके फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करें। शिष्य गुरु की आज्ञा पाकर सुंदर झरना था उसके निकट ही, एक वटवृक्ष था, उसी वटवृक्ष के नीचे शिष्य ने सारा सामान रखा, चटाई बिछा दी, पत्ते पुत्ते थोड़ा साफ किया, झरने से जल भर के लाया। गुरु और शिष्य ने दोनों ने आचमन लेकर के संध्या वंदन किया। संध्या वंदन कर करके भोजन इत्यादि ग्रहण करके रात को जब विश्रांति के लिए जाने लगे, आज गुरु कहते हैं कि पुत्र, जंगल का क्षेत्र है, रात्रि को हिंसक प्राणी भी घूमते हैं, हम दो में से एक को जागना होगा और एक को सोना होगा। स्वाभाविक है शिष्य यही कहेगा, गुरुदेव आप विश्रांति में जाइए, आप विश्राम कीजिए, मैं रात को जागूंगा। लेकिन शायद शिष्य को ये नहीं पता था कि आज शिष्य के जीवन में क्या होने वाला है, क्या आने वाला है, लेकिन गुरु को सब कुछ पता था। महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान, उन्हें त्रिकालज्ञ कहा जाता है, त्रिकाल ज्ञानी कहा जाता है। हम तो सिर्फ उतना ही देख पाते हैं जहां तक हमारी नजर जाती है, लेकिन हम जहां बैठे हैं या जहां खड़े हैं, या यूं कहो कि हम एक ऐसे शिखर के नीचे खड़े हैं और जहां से हम देख पा रहे हैं तो सिर्फ एक तरफ का ही दिख रहा है, लेकिन सदगुरु उस शिखर पर विराजमान है जहां से वो चारों तरफ चारों दिशाओं में देख सकते हैं। हम सिर्फ उतना ही देख सकते हैं जहां तक हमारी दृष्टि जाती है, पर्वत के उस पार क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, हमें नहीं पता, और हमारे पीछे भी क्या है वो नहीं पता, लेकिन सदगुरु हमारे पीछे भी देख सकते हैं, पर्वत के उस पार भी देख सकते हैं। तो गुरु को शायद पता था कि शिष्य के जीवन में क्या आज घटने वाला है। गुरु कहते हैं कि बेटे तुम सो जाओ, मैं जागूंगा रात को। लेकिन स्वाभाविक है कि गुरु जागे और शिष्य सोए, ये शिष्टाचार के विरुद्ध है। तो बार बार शिष्य मना करता रहा, नहीं गुरुदेव आप विश्राम कीजिए, लेकिन शिष्य भी सोए तो कैसे सोए, आखिर गुरु ने डांट के कहा कि मैं कह रहा हूं सो जाओ। ना चाहते हुए भी शिष्य को दिन भर की थकान तो थी, थोड़ी देर तो करवट बदलता रहा और फिर नींद आ गई। नींद भी ऐसी आई, दिन भर की थकान अधिक हो शरीर में तो नींद गहरी आती है, शिष्य भी गहरी निद्रा में चला गया। अचानक रात्रि मध्य रात्रि उसने ऐसा महसूस किया कि उसकी छाती पर कोई दबाव सा पड़ रहा है। अचानक शिष्य ने आंख खोली,
घबराया एकदम से, लेकिन देखा कि कोई और नहीं, मेरे ही सद्गुरु हैं। और फिर निश्चिंत होकर के सो गया। सुबह जब उठे, संध्या वंदन किया, सामान इत्यादि सब समेट कर जाने लगे। आगे आगे गुरु थे, पीछे पीछे शिष्य। गुरु पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहे हैं। और प्रश्नवाचक दृष्टि से कि शायद शिष्य कुछ पूछे, लेकिन शिष्य कुछ पूछता नहीं। गुरु बार बार शिष्य के मुख मंडल पर देख करके शायद अब कुछ पूछेगा। शिष्य ने जब कुछ नहीं पूछा, आखिर गुरु को ही कहना पड़ा कि कुछ पूछना चाहोगे, रात को क्या हुआ था? शिष्य कहता, नहीं गुरुदेव, मुझे कुछ नहीं पूछना। क्या तुम्हें पता है रात को क्या हुआ था? नहीं गुरुदेव, मुझे नहीं पता कि रात को क्या हुआ था। बोले, तुम जागे तो थे, एक बार देखा भी था। बोले, हाँ मैंने देखा था, अचानक मेरी छाती पर कोई ऐसा लगा मुझे कि कोई बैठ गया, तो अचानक आँख खुली, लेकिन मैंने देखा कि कोई और नहीं, मेरे ही सद्गुरु हैं। और तुझे डर नहीं लगा कि मेरे हाथ में चाकू था, छुरी थी? तुझे ये नहीं लगा कि मैं तुझे मार डालूंगा? शिष्य कहता, गुरुदेव, क्या कभी अपने मां से पुत्र को कभी डर लगता है? और शायद पुत्र एक क्षण के लिए डर भी सकता है, लेकिन आप मेरे गुरु हैं, माताओं की माता, पिताओं के पिता हैं। और प्रश्न तो तब उठेगा, संशय तो तब उठेगा कि जब मेरे समर्पण में कहीं ना कहीं कोई कमी हो। अगर मेरे समर्पण में अगर कमी है, तभी मैं संदेह करूंगा और तभी मैं प्रश्न उठाऊंगा। और अगर मेरे समर्पण में पूर्णता है, तो मुझे कोई प्रश्न नहीं पूछना है, क्योंकि मैं ये जानता हूं कि यश करोति शुभम करोति। सदगुरु जो करेंगे मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए करेंगे। वशिष्ठ जी कहते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने, मात पिता प्रभु गुरु की वाणी, विनही विचार किए शुभ जानी। मां हमारे लिए कुछ भी कहे, स्वप्न में भी वो हमारा अहित नहीं कर सकती। पिता चाहे कितना भी डांटे, लेकिन पुत्र के लिए कभी अहित और कभी अनिष्ट नहीं सोच सकते। ऐसे ही सदगुरु जो है, वो माताओं की माता, पिताओं के पिता हैं, तो वो कैसे शिष्य के लिए अहित सोच सकते हैं? आपके हाथ में छुरी थी, क्यों थी, किस कारण से थी, ये प्रश्न उठाना ये मेरा हक भी नहीं बनता। रहा होगा कोई कारण, होगा कोई ना कोई कारण, लेकिन वो आपका विषय है, मेरा नहीं। गुरु कहते, हो सकता मैं तुझे ये छुरी गले में चला देता, तुझे मार डालता। तो अगर
गुरु के हाथों से अगर मेरी मृत्यु लिखी है और स्वयं सदगुरु के हाथ से अगर मुझे मोक्ष मिल रहा है, क्योंकि मृत्यु तो आनी है, प्रतिपल आ ही रही है, सबके जीवन में घट रही है, मरना सभी को है, मौत तो एक ना एक दिन सभी को आती ही है। जब सेतुबंध रामेश्वर की स्थापना हो रही थी, तब भगवान ने एक छोटी सी गिलहरी से भी पूछा था, क्योंकि सभी सेवा कार्य में जुटे थे, लंका पर चढ़ाई करनी थी, रावण का वध होना था, सभी अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ी बड़ी शिलाओं को लेकर के जा रहे थे। पेड़ पर बैठी गिलहरी वो भी देख रही थी, उसे किसी ने कहा नहीं था सेवा करने के लिए। वास्तव में कहते हैं ना, सेवक जो है वो सेवा खोज लेता है, उत्तम सेवक मध्यम सेवक कहने के उपरांत करता है, और कनिष्ठ सेवक तो कहने पर भी नहीं करता। इसलिए उत्तम सेवक की उपमा पेट्रोल से दी गई है कि दूर से ही अगर दाहक शक्ति को खींच करके आग को पकड़ लेता है, मध्यम शिष्य कपूर की तरह आग का संपर्क पाता है तब जलता है, कनिष्ठ को कोयले की तरह है, पहले गैस पे चूल्हे पे रखो फिर फूको तब आग पकड़ती है। कनिष्ठतर तो केले की थड़ की तरह है, आग में भी डाल दो तो भी कोई असर नहीं। गिलहरी पेड़ से उतरती है और उसने सेवा खोज ली। कई लोग सेवा के लिए अवसर आता भी है लेकिन चूक जाते हैं और टालते रहते हैं। कोई ऐसा सोचता है कि भगवान ने मुझे धन दिया होता तो मैं खूब सेवा करता, लेकिन इस सृष्टि में परमात्मा ने किसी को ऐसा बनाया ही नहीं है कि जो कुछ नहीं कर सकता। वास्तव में सृष्टि चलती है आदान और प्रदान से। हम चारों तरफ निगाह घुमाएं तो सब एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे का सहयोग लेते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं। सबका अपना अपना महत्व है और सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। चींटी भी अपनी सेवा कर रही है इस सृष्टि में, उसका भी योगदान है। हाथी का भी अपना योगदान है, वृक्षों का अपना योगदान है, पशुओं का अपना योगदान है, पक्षियों का अपना योगदान है। कोई वृद्ध व्यक्ति ये सोचता है भगवान मेरे को अगर शरीर साथ देता तो मैं खूब सेवा करता, लेकिन जिसको जो परिस्थिति दी है परमात्मा ने, जो भी दिया है, तन दिया है तो तन से, मन दिया है तो मन से, और धन दिया है तो धन से, भगवत कार्य में, प्रभु कार्य में अपना योगदान जरूर देना चाहिए। गिलहरी उतर करके और सेवा खोज लेती है कि जो बड़ी बड़ी शिलाओं को एक शिला से दूसरी शिला को जोड़ते हैं, बीच में थोड़ा सा गैप रहता है, वो गिलहरी ने सेवा खोज ली, समुद्र में डूबती है, फिर बाहर निकलती है, रेत में लोटपोट होती है, और फिर जाकर के उस गैप में अपने शरीर को झाड़ती है, रेत के कण उसमें समा जाते हैं। अपनी भावना है उसकी सेवा। ये दृश्य भगवान श्री राम देख रहे थे। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा और उस गिलहरी को हाथ में उठा करके लेके आए, और भगवान श्री राम ने पूछा कि इतनी इतनी बड़ी शिलाओं को लेकर के वानर सेना चल रही है, किसी का पैर पड़ जाता, किसी के पैरों के नीचे आ जाती तो डर नहीं लगता मौत से? तो गिलहरी भी कहती है कि मृत्यु तो एक दिन सबको आनी है प्रभु, लेकिन वो मौत सबसे अच्छी जो ईश्वर के रास्ते चलते चलते मौत आ जाए, जो गुरु कार्य सेवा कार्य करते करते मृत्यु आ जाए, इससे बड़ी और क्या अच्छी बात हो सकती है? क्योंकि मरना तो सबको ही है, लेकिन साधक गुरु से यही प्रार्थना करता है, मेरे तन से प्राण निकले गुरु सेवा करते करते, यही आशा है मेरे सदगुरु कह दूं मैं डरते डरते।
ये जग जंजाल दाता कब तक अड़े रहेंगे, जन्मों जन्म के खातिर कब तक पड़े रहेंगे। जन्मों जन्म से हम अड़े हुए हैं, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी लोभ में। कहीं मैं भी रुक ना जाऊं, यूं ही रहा तकते तकते हम अवसर ना चूक जाएं। क्योंकि जो अवसर मिला है, यह अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। सदगुरु का द्वार हर किसी को प्राप्त नहीं होता, और सदगुरु के द्वार की सेवा भी हर किसी को प्राप्त नहीं होती। हनुमान जी जब गिलहरी को लेके आए तो गिलहरी कहती है, प्रभु मैं आप तक पहुंची हूं, इसमें हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। किसी भी जीव की मुक्ति तभी हो सकती है और परमात्मा तक जीवात्मा को पहुंचाने वाले संत ही हैं। हनुमान जी सच्चे संत हैं और हनुमान जी के हाथों में मैं आ गई तो आप तक पहुंच गई। क्योंकि हनुमान जी संत हैं, भगवान श्री राम भगवंत हैं, जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाले संत ही हैं। तो ऐसे संतों का द्वार मिलना ये भगवत कृपा है। ऐसे संतों के चरणों में श्रद्धा होना ये भगवत कृपा है। ऐसे संतों के चरणों में समर्पण होना ये भगवत कृपा है। ज्यों ज्यों हम गुरु के चरणों में मिटते जाएंगे, त्यों त्यों हम जैसे बीज ज्यों जमीन में मिटते जाता है, त्यों इसका रूपांतरण होने लगता है। बीज अगर जमीन को पाकर के मिटे नहीं तो बीज में से अंकुर कैसे फूटेगा, वृक्ष कैसे बनेगा, फल कैसे लगेंगे। ऐसी जीव का मैंपना ज्यों ज्यों मिटते जाता है, ज्यों ज्यों गुरु चरणों में मिटते जाता है, त्यों त्यों गुरु की करुणा और कृपा उसके भीतर आने लगती है। शिष्य कहता, गुरुदेव मरना तो सबको ही है, आपके हाथों अगर मौत प्राप्त हो तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या है। तो गुरु भीतर से शिष्य के समर्पण पर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, फिर भी पूछ रहे थे ऊपर ऊपर से, फिर भी तुम कुछ तो जानना चाहोगे कि रात को हुआ क्या था। देखो तुम्हारे गले में कुछ कटा हुआ है, कुछ निशान भी है, फिर भी तुमको ऐसा नहीं लगता ये निशान किसका है, कैसा है। बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं पूछना है। आखिर सदगुरु ने कहा कि बैठ, मैं बताता हूं तुझे सारा हाल। बैठे और कहा, पुत्र जब तू सो रहा था, मध्य रात्रि में एक काला सर्प आया और जो तुझे डसने वाला था, क्योंकि तेरा और उसका लेना देना था पूर्व जन्म का। जीवन में हम सबके जीवन में जो घटना घटती है, चाहे अनुकूलता की हो प्रतिकूलता की हो, वो सब पूर्व निर्धारित है। भगवान श्री राम को जब वनवास हुआ, भरत जी कैकेयी को दोष दे रहे थे, कोई मंथरा को दोष दे रहा था, कोई दशरथ जी को दोष दे रहे थे। और जब भरत जी आए तो अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाने लगे, तब वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो भरत, ये जो भी हुआ है ये नियति थी। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कयो मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अपजस सब विधि के हाथ है। हम तो सिर्फ इस जीवन को जी रहे हैं, जो होना है सो होना है, जो हो रहा है वो निश्चित है, जो प्रारब्ध में है वो तो घटके ही रहेगा। जब प्रारब्ध में सुख लिखा है तो फिर प्रयत्न क्यों करना, और प्रारब्ध में जब दुख लिखा है तो भी प्रयत्न क्यों करना। जो होना है सो होगा, लेकिन नहीं, प्रारब्ध भी तीन प्रकार के होते हैं। मंद्र प्रारब्ध को पुरुषार्थ के द्वारा काटा जा सकता है, तीव्र प्रारब्ध को भगवान और भगवत प्राप्त सदगुरु के आशीर्वाद से काटा जा सकता है, लेकिन तरतीव्र प्रारब्ध तो फिर भी ब्रह्मा जी भी उसे बदल नहीं सकते, विष्णु जी भी नहीं बदल सकते, वो विधि का विधान है। तो इस शिष्य के जीवन में भी
तीव्र प्रारब्ध था और सर्प उसे डसने वाला था, क्योंकि उसके पूर्व जन्म का उसका लेना देना था। तो सर्प आया काटने के लिए, लेकिन मुझे ये पता था कि आज तेरी अंतिम रात होने वाली है, और इसलिए मैं तुझे बार बार आग्रह कर रहा था कि सो जा, मैं जागूंगा, क्योंकि अगर मैं आज सो जाता तो तू कभी फिर जाग नहीं पाता, तू हमेशा हमेशा के लिए सोया ही रहता था। और मैंने उस सर्प से कहा कि तू क्यों इसको डसना चाहता है, बोले मेरा और इसका पूर्व जन्म का लेना देना है और इसका खून मुझे चखना है। तो गुरु कहते हैं कि ये मेरी शरण में है, मेरी छत्र छाया में है, और जो गुरु की छत्र छाया में है, गुरु की शरण में है, उसको तू कैसे डसेगा? क्योंकि अगर सच्ची श्रद्धा से, सच्चे भाव से गुरु के द्वार की अगर सेवा की जाए, तो संत कबीरदास जी ने कहा कि बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी चाह की अगर हम सेवा करते हैं, तो ये सेवा का फल ही हमें मुक्ति के धाम तक लेके जाता है। सेवक फल मांगे नहीं, करे सेवा दिन रात, कहे कबीरता दास पर फिर काल करे नहीं घात, काल भी घात नहीं कर सकता। ऐसे गुरुद्वार की सेवा है। तो फिर मैंने इस पेड़ के बटवृक्ष का एक पत्ता तोड़ के दोना बनाया और तेरे गले से काट करके रक्त का कुछ बूंद लेकर के और उस सर्प को दिया, ताकि तेरा और उसका जो प्रारब्ध है इसी जन्म में कट जाए। क्योंकि जो भी हम कर्म करते हैं या कर रहे हैं, वो नया प्रारब्ध बनाता है। जब तक मुक्ति प्राप्त नहीं होती, तब तक ये श्रृंखला जन्म की, कर्म की, बंधन की, ये चलते रहती है। इसलिए सदगुरु करुणा कृपा करके कहते हैं कि इसी जन्म में ज्ञान को उपलब्ध होकर के और जन्म जन्मांतर के जो भी कर्म बंधन हैं, उनको जला दीजिए ज्ञान की अग्नि से। जिस प्रकार बीज में अगर संस्कार है तो वो पनपेगा ही पनपेगा, जमीन को पाते ही, और अगर बीज को भून दिया जाए तो वो दोबारा उसमें उत्पन्न नहीं हो सकता फिर कुछ। ऐसे ही जीते जी जब तक मुक्ति नहीं पाएंगे, तब तक जन्म और मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी। तो सदगुरु ने कहा कि तेरा प्रारब्ध था, उसका लेना देना था, इसलिए मैंने तेरे गले पर छुरी चलाकर खून की कुछ बूंदें ली थी। शिष्य गुरु के चरणों में गिर पड़ा। कई बार शिष्य के प्रारब्ध को भी काटने का सामर्थ्य सदगुरु में होता है। एक बार बापूजी का सत्संग जम्मू कश्मीर में था, वहां से सत्संग पूरा हुआ, पूज्य बापूजी फरीदाबाद आए, वहां पर सत्संग था। दशहरा ग्राउंड में सत्संग चल रहा था, सुबह का सत्र पूरा हुआ, शाम का सत्र पूरा होकर के बापूजी आश्रम में पधारे। मैं भी वहाँ सेवा में था, सेवा करके सब फिर जब आश्रम में गया, और जैसे ही आश्रम के गेट पे एंटर मैंने किया तो बापूजी व्यासपीठ पर विराजमान थे। आवाज आई मुझे, बापूजी एकदम से बोले दे 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 दे, ये गया। इधर बापूजी बोले, उधर तुरंत मेरे फोन पे फोन आया पंडाल से कि सारा का सारा जो है ना पंडाल गिर गया। मौसम खराब था, आंधी तूफान आया और सारा का सारा पंडाल जो है पूरा गिर पड़ा। रात को लगभग 10 बज रहे होंगे, 10:30 बजे पंडाल में कई लोग, हजारों लोग सो भी रहे थे। अब लोहे के पाइप होते हैं, बिजली का कनेक्शन भी उसमें खींचा जाता है, और वो इतने बड़े बड़े स्पीकर भी उसमें होते हैं। व्यासपीठ पर कांच का केबिन भी था,
पूरा पंडाल एक भी पाइप नहीं बचा और ऐसा लग रहा था कि पाइप तो गाड़े नहीं सिर्फ बिछाए बिछा दी हो। सारा का सारा पंडाल गिर गया, सारा पंडाल गिरा, स्पीकर भी गिरे, लाइट भी थी। एक बापूजी का जो केविन था व्यासपीठ पर, वो केविन को कुछ नहीं हुआ और बाकी पंडाल का कुछ बचा नहीं, लेकिन एक खरोच भी किसी हजारों साधक जो बैठे थे उसमें से एक को भी खरोच भी नहीं आया। तो मैंने सोचा, मैं तुरंत वहां गया तो कि भाई जिस समय गिरा वही समय यहां बापूजी व्यासपीठ पर थे और वहीं से आवाज लगाई। तो कई बार शिष्य के जीवन में आने वाली घटना से वो महापुरुष वाकिफ होते हैं। जम्मू में एक भाई, अभी यहाँ एक टेंट में सेवा करने वाला समर्पित साधक भी है, राजकुमार नाम है, क्या है उसको ये पता भी होगा, इन्हीं की टीम का एक भाई जम्मू में फरीदाबाद बापूजी आए उससे पहले जम्मू में थे, तो जम्मू में रात को वो भाई, चार पांच भाई सो रहे थे, टेंट वाला भाई था। मध्य रात्रि को एकदम से उस भाई ने चीखा जोर से, दूसरे लोग भी जागे तो उन्होंने देखा उसके उसको सर्प ने काटा है और सांपने से वो सर्प जा रहा है। थोड़ी देर में उसका सारा शरीर जो है वो नीला हो गया, मुंह में झाग आ गया। डॉक्टर के पास ले गए, सुबह तक डॉक्टर ने एडमिट रखा और कहा कि ये मर गया, ले जाओ इसका अंतिम संस्कार करो। बापूजी फरीदाबाद से अहमदाबाद गए थे, अहमदाबाद में सत्संग चल रहा था, व्यासपीठ पर जैसे तैसे संदेशा दिया गया। तो बापूजी, ऐसा ऐसा एक भाई था आश्रमवासी और उसको सर्प ने काट लिया, उसकी मृत्यु हो गई है, डॉक्टर ने कहा इसका अंतिम संस्कार कर दो। बापूजी बोले ना ना ना, उसका अंतिम संस्कार मत करना, अभी वो मरा नहीं है, जिंदा है, पीपल के पत्ते तोड़ो और उसके कान में डालो और एक मंत्र भी बताया, विधि बताई। वो प्रयोग शुरू किया और कहा कि डंठल एकदम से कान के अंदर पर्दे में ना जाए, इस बात का ध्यान रखना, डालते जाओ थोड़ी देर रखो और बाहर फेंकते जाओ, डालते जाओ थोड़ी देर रखो और बाहर फेंकते जाओ, पीपल के जो डंठल होते पत्ते की तरफ। और थोड़ी ही देर में कहते हैं सारा शरीर जो नीला हो गया था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये मर चुका है और इसको ले जाओ और जला दो, उसने धीरे धीरे आँख खोली, आँख ही नहीं खोली, उठ के बैठ गया और बैठा नहीं, खड़ा हो गया। और ये गुरु कृपा का चमत्कार सब ने देखा, नहीं और कोई होता तो जला देते। तो कुछ प्रारब्ध होते हैं जो भगवत कृपा से, संतों के आशीर्वाद से दूर होते हैं, लेकिन तरतीब्र प्रारब्ध वो घटता है। अगर भगवान का भजन हमारे जीवन में नहीं है, सत्संग हमारे जीवन में नहीं है, तो बड़ी पीड़ा होती है। और भगवान का भजन अगर हमारे जीवन में है तो हंसते हंसते भी परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर के और उस प्रारब्ध को भी जैसे तैसे कटवा देते हैं। इसलिए भगवान का भजन, ईश्वर का भजन पे पूर्ण भरोसा होना चाहिए। सदगुरु से जो नाम की दीक्षा मिली, उस नाम का आश्रय, उस नाम पर दृढ़ श्रद्धा और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। कई लोग नाम तो जपते हैं लेकिन वो बस तोता रटन की तरह जपते रहते हैं। जब तक नाम सुमरण में अगर प्रेम पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक नहीं जपेंगे तो जप में रस नहीं आएगा, और जिस कार्य में रस नहीं आता वो कार्य फिर उबाने लगता है। तो कई लोग फिर जपते जपते दो चार माला तो जपेंगे, उबासियां लेने लगते हैं, नींद आने लगती है। जप करें, प्रेम पूर्वक करें, प्रसन्नता पूर्वक करें, आनंद के लिए करें। जब कोई क्रिया नहीं कि बस 10 माला की, 21 माला करी बस। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही,
मनवा तो चौदिस फिरे ये सुमरन नहीं। तोते की तरह तोता रटन नहीं होना चाहिए। तोता रटन का जो कार्य होता है ना वो उबा देता है। एक स्वतंत्रता सेनानी रिटायर्ड हुआ तो उसने एक तोता पाला और उसको रटा दिया, स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। बड़ा अच्छा लगता, तोता कॉपी करता है। कभी भी दिन हो तो स्वतंत्रता, मध्य हो तो रात्रि हो, कभी भी जब उसका मन करे स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो एक दिन मेहमान आया कोई, रात को 1-2 बजे एकदम से तोता चिल्लाया स्वतंत्रता स्वतंत्रता। तो मेहमान ने सोचा बेचारे तोते को क्यों पिंजरे में बंद कर रखा है, ये स्वतंत्र होना चाहता है। वो उठा, पिंजरा खोला, हाथ डाला तो तोता फड़फड़ाने लगा, पंजों से पिंजरे को जकड़ लिया। लेकिन वो भी कहाँ रुकने वाला था, मेहमान ने जैसे तैसे तोते को पकड़ के खींचा बाहर के उड़ा दिया। चलो बोले शांति, बेचारे को कैद कर रखा था तोते को, सो गया। सुबह आँख खुली तो फिर वही शब्द दोहराए जा रहा था, तोता स्वतंत्रता स्वतंत्रता। उसने सोचा इसको तो मैं रात को छोड़ दिया था, फिर ये कहाँ से आ गया। उसने अपने मित्र से पूछा कि ये तोता रात को जब इसको मैं छोड़ दिया तो फिर पिंजरे में आ गया और अभी भी स्वतंत्रता स्वतंत्रता चिल्ला रहा। तो घर का मालिक हंसा, कहने लगा भैया ये स्वतंत्र नहीं होना चाहता, ये तो मैंने इसको रटाया हुआ है वही बोल रहा है, वास्तव में कोई स्वतंत्र नहीं होना चाहता। तोते को भी पिंजरे में रहने की आदत हो गई है, वो भी उसी में रहना चाहता है, उससे बाहर नहीं निकलना चाहता। बोल जरूर रहा है स्वतंत्रता स्वतंत्रता स्वतंत्रता, लेकिन वास्तव में स्वतंत्र होना ही नहीं चाहता, उस पिंजरे में ही ऐसी पकड़ हो गई है। हम सबको भी देह रूपी पिंजरे में ऐसी पकड़ हो गई है। जीव जिस योनि में रहता है, जिस वातावरण में रहता है, उसको वहीं की पकड़ हो जाती है, उससे वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। तो ऐसे तोते रतन से मुक्ति नहीं होगी। एक सदगुरु का शिष्य भिक्षा मांगने गया, भिक्षा रतन से ही उनका जीवन यापन होता था। आवाज लगा था अलख निरंजन सदगुरु बंधन तोड़ भिक्षाम देही, अलख जगाते थे घर घर पर, अलख निरंजन सदगुरु बंधन तोड़ भिक्षाम देही। तो भिक्षा मांगते मांगते एक द्वार पे गया, वहां पिंजरे में एक तोता था, ये तोता नहीं दूसरा। अब हम समझ जाएं हम कौन सा तोता है, ये पहले तोता का तो बता दिया, दूसरा तोता पिंजरे में। कहता उस शिष्य से कि तुम अपने गुरु से पूछो क्या मैं इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं, सदगुरु अगर बंधन को तोड़ देते हैं तो मैं इस पिंजरे से इस कैद से कैसे मुक्त हूं, क्या तुम्हारे गुरु के पास कोई युक्ति है। शिष्य ने कहा जरूर पूछूंगा। शिष्य गया आश्रम में, कहा गुरुदेव आज भिक्षा मांगते मांगते एक द्वार पर मैंने एक तोता देखा और उस तोते ने यह प्रश्न पूछा क्या मैं इस पिंजरे से मुक्त हो सकता हूं। यह सुनते ही वो संत शांत हो गए, आंखें बंद हो गई और वहीं लुढ़क गए। शिष्य घबरा गया कि ये क्या मैंने कह दिया, गुरु की तो आंखें ही बंद हो गई और गुरु बिल्कुल गिर पड़े, लुढ़क गए बैठे बैठे वहीं, आंख ना खोले। सबने सोचा गुरु ने शायद प्राण ही त्याग दिया। सुबह हो गई, शिष्य घबराया, सबको सूचना दी, आए सब लोग कि अंतिम संस्कार करेंगे, कुछ सामग्री जुटाने के लिए फिर कुछ मांगने के लिए गया और मांगते मांगते फिर उसी द्वार पे पहुंचा तो तोता ने फिर चिल्लाया मेरी मुक्ति का उपाय खोजा पूछा। बोले चुप रहे, तूने ऐसा क्या पूछा, तेरा संदेश मैंने गुरु को दिया, मेरे गुरु को दिया तो गुरु जी तो आंख बंद करके लुढ़क गए, ऐसा तो तूने क्या संदेशा था उसमें पता नहीं। ये सुन के तोता भी लुढ़क गया।
मालिक आया तो मालिक चिल्लाया, ऐसा तुमने क्या बोला तोते को? तोता लुढ़क गया, आंख बंद। मालिक ने पिंजरा खोला, अंदर से तोते को निकाला, तोता अंदर से बाहर जो हाथ में आया, एक आंख खोली फिर दूसरी खोली और फुर से उड़ गया। तोता मुक्त हो गया, आजाद हो गया। शिष्य गया आश्रम में तो वहां गुरुजी बैठ के सत्संग कर रहे थे, तो उसका दिमाग चकराया कि ये क्या हो रहा है। उधर तोते का संदेशा गुरुदेव को दिया तो इधर गुरुदेव, ऐसा मुझे लगा कि वो चले गए, और इधर का संदेशा उधर दिया तो मुझे लगा तोता चला गया, ना तोता गया ना गुरुदेव गए। गुरुदेव ये क्या माजरा था, आखिर क्या रहस्य था, इसमें क्या संदेश था? बोले मूर्ख, इतने सालों से मेरे पास रहता है, मेरे साथ रहता है, तूने मुक्ति का उपाय पूछा था तोते के लिए, तोते का संदेश सुनाया था, तो मैंने तुझे प्रैक्टिकल करके दिखाया कि मैं जो कर रहा हूँ वो तोते तक जाए खबर। तो तोता समझ गया एक क्षण में, और वो तोता पिंजरे से मुक्त होके उड़ भी गया, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तो हमें सदगुरु के संकेत को झेलना चाहिए, उनके वचनों को झेलना चाहिए। गुरु नाना प्रकार की युक्तियों से, बापूजी ने इतना इतना सत्संग हमको दिया है। कल भी मैंने प्रार्थना की थी कि बच्चा छोटा सा है ना, वो सुनते सुनते जवान हो सकता है और जवान बूढ़ा हो सकता है, लेकिन सत्संग कभी पूरा नहीं हो सकता। इतना इतना सत्संग, नाना प्रकार की युक्ति, नाना प्रकार का सत्संग गुरुदेव का है, लेकिन हम सुने, 8 दिन में 1 दिन कम से कम आश्रम आए समय निकाल करके, लेकिन वक्त ही नहीं है। एक ऐसा सर्कल बना हुआ है हम सबका कि उसी में हम घूमते रहते हैं, यहाँ से घर, घर से ऑफिस या दुकान, फिर ये रिश्तेदार वो रिश्तेदार, फिर परिवार, बस हमारी वृत्ति वहीं से वहीं, वहीं से वहीं घूमते रहती, उससे हटके कभी बाहर ही नहीं निकल पाते। तो थोड़ा उससे बाहर निकलें, और बाहर निकलेंगे तो फिर, इसलिए तो गुरुदेव ने जगह जगह इतने सारे आश्रम बनाए कि घर से, घर के वातावरण से दूर थोड़ा जा कर के, थोड़ा एकांत में बैठ के जब ध्यान करें, इसलिए जगह जगह आश्रम बने। हरि ओम।